पहले से ज्यादा सुरक्षित और पैसा वसूल छोटी कारों में से एक मानी गई है मारुति सुजुकी अल्टो K10। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी अल्टो K10 के बारे में। अब पूरी तरह से बदल दी गई है, काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही है। पुरानी जनरेशन के मुकाबले बॉक्सी डिज़ाइन कम रखा है और कर्व ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बैक प्रोफाइल लुक, मारुति सुजुकी का लोगो, अल्टो K10 की बैजिंग, रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और इसके टेल लैंप्स में भी हनी कॉम पैटर्न का इस्तेमाल देखने को मिलेगा और इस तरीके का कुछ आपको साइड प्रोफाइल लुक देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन पावर परफॉर्मेंस के बारे में। मारुति सुजुकी अल्टो K10 में डुअल जेट 1000cc VVT इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 66 PS की पावर, 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन। पुरानी अल्टो के मुकाबले इस अल्टो में काफ़ी रिफाइंड इंजन बनाया गया है, पिछले के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल भी है और ये इंजन 23-24 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज क्लेम करती है कंपनी। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखाई देता है इसका ड्राइवर डोर पैनल, बिल्कुल सिंपल सा है और ये आपको यहाँ दे दी गई है ORVM स्टिक, जो आप एडजस्ट कर सकते हैं ORVM को। और इस तरीके का कुछ दिखाई देता है इसका डैशबोर्ड, काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ दिए गए सीट एडजस्टमेंट नोब और यहाँ दिए गए ड्राइवर पैडल काफ़ी खुले खुले से हैं, स्पेस इसमें काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों इसका स्टेयरिंग बिल्कुल चेंज है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बिल्कुल डिजिटल दे दिया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी बेहतर है। सारी कार की इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही देखने को मिलेगी। इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद 2 स्पीकर और यहीं देखने को मिलेंगे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स, हैजार्ड स्विच, क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअली मिलेगा आपको। नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का चार्जर, नीचे आपको 2 कप होल्डर देखने को मिलेंगे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। और दोस्तों डुअल एयरबैग के साथ, ये पैसेंजर एयरबैग है, इस तरफ आपको ड्राइवर एयरबैग दे दिया गया है, जो कि सेफ्टी के मामले में बहुत काम किया गया है अल्टो K10 पर। और अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। जो कि बूट स्पेस की बात करें तो 214 लीटर्स का बूट स्पेस इसमें देखने को मिलेगा, जो कि अल्टो K10 के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों ये थी अल्टो K10 की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।